लेकिन जिस पार्टी से वो आती है भाजपा, उस पार्टी का यही इतिहास रहा है। बड़े बड़े वादे, जमीन पे कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐसे बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, कि दुनिया से काला धन लेकर वापस आएंगे और 15-15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे। सच्चाई ये है कि आज मेरी बहनें महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं। यहां बैठी हैं, जानती है कि जब दुकान जाती हैं आधे सामान छोड़ के आ जाती हैं। जानती है कि जब बच्चे का इलाज करना पड़ता है, बीमार हो पड़ता है, तो घबराहट होती है कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो फीस कैसे भरेंगे। जानती है कि जब बच्चा बड़ा होता है उसको विश्वविद्यालय भेजना है, प्राइवेट में उसकी पढ़ाई करनी है या किसी परीक्षा के लिए ट्यूशन भेजना है तो पैसे काफी नहीं होते। यहां खड़े मेरे भाई जो किसान हैं जानते हैं कि वो खेती से कमाई आजकल हो नहीं रही है। आप दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, रात को आप मचानों में जाकर खेतों की सुरक्षा करते हैं, पहरेदारी करते हैं ताकि आवारा पशु न खा जाए, लेकिन फिर भी आपकी कमाई पूरी नहीं हो रही है। आपको बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा तो कर्ज लेना पड़ेगा, बेटी की शादी होगी तो कर्ज देना पड़ेगा। और मोदी जी के 10 सालों के राज में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आपने बच्चों को पढ़ा भी लिया तो भी बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा। आज 70 करोड़ बच्चे, नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। 30 लाख पद खाली हैं, भरे नहीं गए हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज भारत में है। और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी जब आपके सामने प्रचार के लिए आते हैं तो इसकी चर्चा नहीं करते कि 45 सालों में भारत में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। वो इस तक की चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। भारत में चुनाव में चर्चा हो रही है पाकिस्तान की। आपके जीवन में मुश्किलें हैं, आप सामना नहीं कर पा रहे हो और चर्चा हो रही है कि दूसरे राजनीतिक दल सब धर्म के विरोधी हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को कहते हैं धर्म के विरोधी हैं। हमने देश को आजाद किया